नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के पथारखंड विधानसभा केंद्र में एक बार फिर से सड़क हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। सूत्र के अनुसार एक ऑटो के साथ एक ट्रक के आमने सामने टक्कर होने पर शुक्कुर अली, मैनूर हुसैन, आरिफुद्दीन व लीले बीबी नाम के 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि ट्रक के नंबर 4624 बताया जा रहा है, AS24C2604। और इस हादसे के चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। लोहाईपुआ क्षेत्र के कई इलाकों में इन दिनों तीव्र गति से वाहनों की यातायात के चलते दुर्घटना की वारदात हो रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से 14 जनवरी को सड़क हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे हुए इस हादसे के चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बना रहा। वाहनों की आवागमन पर कार्यकर्ता तीव्र नजर टिकाए बैठे हैं और पुलिस प्रशासन व कड़ी कार्रवाई के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था इस क्षेत्र में लागू कर दिया गया। अच्छा सर, কি অবস্থা তাদের এখন? এর মধ্যে দুজন একটু বেশি সিরিয়াস, আর বাকি দুজন মোটামুটি। এখন কি কি করবেন আপনার? আমি ওই শুক্র আলী এবং লীলা বিবি এক জনের পাঠাইতে লাগে আর দুজন যদি দুজন মোটামুটি ম্যানেজেবল, বাকি দুজন দুজন শুক্র আলী এবং তার বিশেষ লীলা বিবি।